नमस्कार, मैं रचना शर्मा चर्दी गलट एमडी भी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आबादी के लिए 5000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगी। यह निर्णय समुदायों को उनके घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम किया है। इसके अलावा सरकार ने राज्य में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। नतीजतन राज्य के छोटे अस्पतालों से लेकर बड़े अस्पतालों में रेफर करने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इन 5000 नए स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य योजनाओं को भी सही तरीके से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इन नए उपकेंद्रों पर आवश्यक चिकित्सा उपकरण, चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि 19 महीने की कोरोना महामारी के बावजूद एक्सप्रेसवे पूरा करने में सफलता मिली। इसका अब 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही यहां बनी 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर आपातकालीन स्थिति में युद्धक विमान उतारे जाएंगे। इसका एयर शो प्रधानमंत्री के समक्ष होगा और जनता भी शो देख सकेगी। सबसे पहले लोकार्पण कार्यक्रम, फिर संबोधन और उसके बाद फाइटर जेट प्लेन के प्रदर्शन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयसिंहपुर तहसील के अरवल कीरित करकत में लोकार्पण कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, यूपीडा के अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। सभा स्थल, पार्किंग स्थल, हवाई पट्टी, सुरक्षा सहित कई बिंदुओं पर वार्ता की। इसके बाद निरीक्षण किया गया। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड इकोनॉमी में अग्रणी बनाई जा रही है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे 8 स्थानों पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अगले माह तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई चल रही है। इन सब का पूरे होते ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव नजर आएंगे। का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इकोनॉमी को तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसमें यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जाना जाएगा स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा।
लोगों में उत्साह है, उमंग है। और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस दिन से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। आज इसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 16 नवंबर को आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित भी हैं। धन्यवाद। जनपद बस्ती में आज 13 नवंबर 2021 को खेल महाकुंभ का 3 बजे शुभारंभ हुआ है। आज 199 करोड़ की 94 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास 3:30 पर गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री गृह एवं सहकारिता, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। इस खेल आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके उनकी क्षमता में और निखार आ सके। इस खेल आयोजन को बस्ती का ओलंपिक भी नाम दिया गया है। इसमें क्रिकेट को छोड़कर सभी छोटे बड़े खेल आयोजित होंगे और यहां से निकली खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। 13 से 21 नवंबर तक आयोजित यह खेल महाकुंभ बस्ती के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। श्री सत्यवान सिंह स्टेडियम में हो रहे सांसद खेल महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ करने के बाद बाई रोड किसान डिग्री कॉलेज बस्ती में आयोजित विशाल जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 13 नवंबर को जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभा में जनता से रूबरू होकर मिशन 2022 का शंखनाद किया। जनपद के युवा अरसे से राज्य विश्वविद्यालय की डिमांड कर रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने युवाओं की मांग और जरूरतों को समझते हुए भरोसा दिया था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नींव रखकर युवाओं के सपने को जमीन पर उतारने का कार्य किया है। 49.42 एकड़ भूमि पर और 108 करोड़ की लागत की यूनिवर्सिटी जनपद के सिर पर मुकुट समान है। राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा जनपद में विकास की राह खोलेगा। चुनावी दृष्टिकोण से उसर जिले में अमित शाह के कार्यक्रम से विपक्षियों में जबरदस्त बेचैनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 13 नवंबर को समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर मिशन 2022 का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान सीएम योगी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहे। आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने, न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी, अक्सर सह उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही
दो दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले, यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाए कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आज 13 नवंबर से शुरू हो गया है। दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुरा में सुबह 10 बजे से इस सम्मेलन का शुभारंभ गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। गृह एवं सहकारिता मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, निशित परमाणिक और सांसदगण, सचिव राजभाषा, संयुक्त सचिव राजभाषा सहित पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्वान इसमें उपस्थित रहे। इस दौरान 8 सत्रों में हिंदी के प्रगमी प्रयोग को बढ़ाने के विषय में विचार और मंथन करेंगे। आजादी के आंदोलन में हिंदी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। यह भाषा मुख्य भाषा बनी। आजादी मिलने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से भारत की राजभाषा घोषित किया। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हिंदी के प्रसार को लेकर व्यापक काम शुरू हुआ। 7 वर्षों में हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, यूएन ने भी काफी काम हिंदी में आरंभ कर दिया है। यूएन के समाचार, ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट हिंदी में है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। मैं आभारी हूं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है उसको फिर से वह मंच दें, जैसे सरदेव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव
प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए जिस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए भारत और भारतीयता के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आज उस पर मंथन करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हमने हिंदी संस्थान के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, प्रकाशन के साथ साथ इस क्षेत्र में शोध की लोक गाथा लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन साहित्यिक कार्यक्रमों को एक नई गति देने के साथ साथ प्रदेश के अंदर पुरस्कारों की भी एक परंपरा प्रारंभ की। भारत भारती पुरस्कार हम लोग 8 लाख रुपए का प्रदेश के अंदर उपलब्ध कर देते हैं। बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है और इस पावन धरती में जब हम लोग यहां पर एक गंभीर मंथन के साथ यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे यहां कहा गया है अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। आप सब जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। 7 वर्ष के अंदर आपने भारत की इस बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। 7 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत के अंदर आम जन के मन में विश्वास का अभाव था। वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी वह प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं थी जो भारत को मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 7 वर्षों के अंदर, 7-7.5 वर्षों के अंदर आपने बदलते हुए भारत को, इस एक नए भारत को, इस श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए भारत को देखा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बुंदेलखंड और दिविंदे समेत प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में पीने के साफ पानी की आपूर्ति पर लगातार काम कर रही राज्य सरकार की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर केंद्र सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी कनेक्शन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 1,882 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर यूपी में हर घर नल योजना की प्रगति की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी ने हर घर नल से जल योजना को जन आंदोलन बना दिया है। केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना को लेकर पहली बार किसी राज्य की इस तरह तारीफ की है। बैठक में स्वीकृत की गई इन योजनाओं से 33 जिलों के 1,262 गांवों की 39 लाख की आबादी को फायदा होगा। मौजूदा समय में प्रदेश में 2,64,00,000 में से कुल 34 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक नल का पानी मिल रहा है। यूपी में जल जीवन भी और अब मिशन भी बन चुका है। बता दें कि यूपी में युद्ध स्तर पर हर घर को नल से जल देने की योजना पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। सरकार अगले महीने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में हर घर को नल से जल देने की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए कई इलाकों में ट्रायल रन चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।